हाँ यूट्यूब के चैनल में सभी बच्चों का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट दोस्तों पहुँचती रहे। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं STT को लेकर और STT की नियोजन जल्द से जल्द पूरी हो ऐसी खबर सामने उभर के आ रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बड़ी घोषणा है और जल्द पूरी हो नियोजन की प्रक्रिया ऐसा कहा जा रहा है। STT का परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठन द्वारा जल्द नियोजन करने की मांग बिहार सरकार से की जा रही है। प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मनीष पांडे ने रिजल्ट जारी करने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मनीष पांडे संघ के सचिव अनिल कुमार पांडे ने जल्द से जल्द नियोजन करने की मांग की है। जैसा कि सभी को ज्ञात है दोस्तों कि भाई जिस प्रकार से STT का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं नियोजन को हरी झंडी देने की बात कही जा रही है और सुनने में ऐसा भी आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं छठे चरण से इसको ना जोड़ा जाए, सातवें चरण में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो की जा रही है उसमें इसको ना जोड़ा जाए और इसको अलग से इसकी बहाली की जाए ऐसी मांग की जा रही है। तो छठे चरण की जो शिक्षक बहाली चल रही है उससे हटके या सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी उससे हटके दोस्तों कहा जा रहा है कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कराई जाए। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई लंबे अरसे से अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतज़ार भी रहा है और जल्द से जल्द ये बात कही गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि नियोजन की प्रक्रिया जो है वो ससमय पूर्ण कर दी जाएगी। इसके साथ ही मनीष पांडे संघ के सचिव अनिल कुमार पांडे ने जल्द से जल्द नियोजन करने की मांग की है। वहीं TT/STT उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने जल्द से जल्द नियोजन की मांग भी की है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है भाई कि शिक्षक नियोजन हो या शिक्षक अभ्यर्थियों का जो संघर्ष है वो लंबे अरसे से चला है और एक लंबे जंग के बाद STT का रिजल्ट जारी हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी है कि जल्द से जल्द उनकी बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाए और विभाग जल्द से जल्द कोई फैसला ले जल्द से जल्द बहाली को पूर्ण करने के लिए। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्वीट भी आया है, आदरणीय सर निरंजन कुमार ने लिखा है कि आदरणीय सर और आप सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल में होगा उसे सेंट्रलाइज तरीके से करने की कृपा करें। ये भी कहा गया है और लिखा है सेंट्रलाइज एंड ऑनलाइन। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि संजय कुमार जो कि सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन होगा और सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, तो एक बड़ी अपडेट है और अच्छी भी खबर है दोस्तों ये। और यहाँ देखिए लिखा है दिव्यांग आरक्षण मामले पर बहाली पर रोक लगी है, 1.21 लाख शिक्षकों की जल्द भर्ती की आस, अप्रैल के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट में सुनवाई। 5 अप्रैल को देखिए 94 अर्ष की बहाली की प्रक्रिया जो कि सुनवाई होनी है 5 अप्रैल को, वो भी जल्द जल्द पूरी हो जाएगी। और जैसे ही ये सुनवाई हो जाती है तो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी गति चलेगी और जल्द जल्द ये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दोस्तों पूर्ण होगी जैसा कि कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगले चरण की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से आवेदन की चल रही है तैयारी, प्रारंभिक से हाई स्कूल तक। देखिए दोनों के लिए 1.21 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द दोस्तों साफ होने वाला है। और देखिए कहा जा रहा है कि लाख शिक्षकों की बहाली की आस जगी है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हाईकोर्ट शिक्षक बहाली पर लगी रोक मामले पर सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग हाईकोर्ट को बताएगा कि जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करना है और जैसे ही नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है शिक्षक बहाली जल्द से जल्द पूरी की। और देखिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि अगले चरण की बहाली के लिए केंद्र की तरीके से आवेदन की चल रही है तैयारी। और देखिए ये अच्छी बात है कि भाई जो तैयारी है वो इन लोगों ने शुरू कर दी है और STT हो या बिहार शिक्षक बहाली हो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें। और ऐसी मांग है सबकी कि ऑनलाइन माध्यम से अगर बहाली की प्रक्रिया सम्पन्न होती है, आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि धांधली कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरे अभ्यर्थियों को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से ऑफलाइन नियोजन की प्रक्रिया पहले प्रारंभ की गई थी, अलग अलग ज़िलों में जाके आवेदन करना पड़ता था और इससे काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी, छात्रों को समय भी बर्बाद होता था, पैसा भी बर्बाद होता था और फर्जीवाड़ा भी इसमें बढ़ता था। तो अब कहीं ना कहीं ये बात रखी जा रही है कि भाई नियोजन और नियुक्ति जो है सही तरीके से पूर्ण की जाए, सही तरीके से बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, तमाम बातें जो हैं दोस्तों ये सामने रखी जा रही हैं। और देखिए कहा जा रहा है शिक्षक नियोजन में पूरी पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग योग्य अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज केंद्र की तरीके से आवेदन लेने की मांग कर रहा है।
और ये बात भी कही गई है कि केंद्रीकृत तरीके से जो है वो ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों वो लिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द दोस्तों पूर्ण होकर रहेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। शिक्षक नियोजन में पूरी पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग योग्य अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने पर विचार कर रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हाईकोर्ट शिक्षक बहाली पर लगी रोक मामले पर सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग हाईकोर्ट को बताएगा कि नियमानुसार दिव्यांग सहित सभी कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांग आरक्षण मामले पर 90,762 प्रारंभिक और 30,020 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली लगभग 2 साल से लटकी हुई है। और देखिए न्यूज 18 पे ये मुद्दा भी उठा था, और हम लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार ये मुद्दा उठाया था कि शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो त्वरित गति से पूर्ण की जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब ना हो, क्योंकि इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया जल्द जल्द पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार से मांग है कि भाई शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी जो है वो पूर्ण तरीके से जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। तो विभाग कहीं ना कहीं ये बात सामने रख रहा है कि जल्द जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, और जैसे ही बहाली पूर्ण होती है नए शिक्षकों के लिए विद्यालय का आवंटन कर दिया जाए, और जल्द से जल्द विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार में जो शिक्षक बैठे हुए हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया जल्द जल्द पूर्ण होनी चाहिए। और जैसा कि कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं, अगले चरण की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से आवेदन की चल रही है तैयारी, यानी कि सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज आवेदन में आपको ये फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन होंगे, घर में बैठे बैठे आप आवेदन डाल सकते हैं। तो अच्छी खबर है, शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट है, और एक बड़ा बदलाव भी कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आलोक सर भी लगातार अपडेट हमें देते रहते हैं, चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं कि क्या कुछ बहाली में हो रहा है, क्या कुछ आगे होना चाहिए, क्या कुछ रणनीति है, सारी तमाम बातें बताते रहते हैं हमें, समय समय पे गाइड भी देते रहते हैं। और जैसा कि आलोक सर ने न्यूज 18 पे जाकर ये मुद्दा भी उठाया था कि जो शिक्षा विभाग है जब वो रिजल्ट घोषित करता है तो नियोजन के लिए लंबा समय लेता है, जिससे कि अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है कोर्ट केस करने का और कोर्ट तक जाने के लिए। जैसा कि आप सभी ज्ञात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यर्थी जा रहे हैं एसटीटी को लेकर, क्योंकि उनका कहना है ये कुछ विषयों का कटअप बहुत कम है तो कुछ विषयों का कटअप काफ़ी हाई गया हुआ है। तो ये भी बात कही जा रही है। तो पल पल जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हम सीधे आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे, विभाग क्या कुछ रणनीति तैयार करता है उससे भी अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये बात सही है कि जल्द से जल्द दोस्तों जो है वो बहाली की प्रक्रिया अपूर्ण हो जाएगी, चाहे हम 90,792 प्रारंभिक की बात करें या 30,020 हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें। तो बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।